चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हर किसी का हाल बेहाल है। ऐसे में हीट स्ट्रोक बीमारी सामने आ रही है। कई राज्यों में मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब शरीर ज्यादा हीट हो जाता है और ठंडा नहीं हो पाता, तब ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में इमरजेंसी इलाज की जरूरत होती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा देर तक हाई टेम्परेचर वाली जगह में रहने से हीट स्ट्रोक का रिस्क रहता है। ह्यूमिडिटी और डिहाइड्रेशन से भी हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उम्र भी हीट स्ट्रोक की बड़ी वजह हो सकती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग काफी सेंसिटिव होते हैं। किसी तरह की मेडिकल कंडीशन जैसे हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज या शराब का ज्यादा सेवन, गर्मी में भारी कपड़े पहनना या कुछ दवाइयों की वजह से शरीर का तापमान रेगुलेट नहीं हो पाता और हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। ये तब होती है जब आपका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ लक्षणों को पहचान कर आप तुरंत ही सतर्क हो जाएं। शरीर का तापमान बढ़ना, तेज धड़कन होना, तेजी से सांस लेना, सिर दर्द, जी मिचलाना और उल्टी, चक्कर आना या भ्रम। कई बार ऐसी स्थिति में दौरे पड़ने की स्थिति भी सामने आती है, जिसमें बेहोशी की हालत। इन लक्षणों को देखते हुए तुरंत मेडिकल की मदद लेनी चाहिए। हीट स्ट्रोक से बचाव जरूरी है। सबसे पहले धूप में कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकलते समय छाता साथ रखें, ढीले हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनें। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, शराब और कैफीन के सेवन से बचें, जो कि शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर हेमंत मोहन, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन। इस समय गर्मी का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप सवेरे 8 बजे अपने घर के बाहर निकले तो बहुत तेजी से धूप लगने लगती है। तो जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। कहा भी गया है कि जल्दी उठने से तमाम रोग आपके दूर हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले उठ जाए तो सूर्योदय टाइम तक आप अपना मॉर्निंग वॉक कर लें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। अगर आप बीपी के मरीज और शुगर के मरीज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि उनकी बीपी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। और जब इतनी भीषण गर्मी हो जाए कि पारा बढ़ता ही चला जाए, सड़कें सुनसान हो जाएं, बच्चों के स्कूलों को भी प्रशासन ने 2 बजे की जगह दोपहर में 1:30 बजे बंद, 12:30 बजे बंद किया था। ये प्रशासन का अच्छा फैसला था। अब कुछ स्कूल्स में समर कैंप्स हो रहे हैं, बच्चे 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं और हम समझते हैं कि 2-3 दिन के बाद वो भी कम हो जाएंगे। तो जितने भी छोटे प्यारे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, धूप वाले स्थान में मत जाएं। सवेरे सवेरे और शाम को 5 बजे के बाद अपने काम कर लें। 12 से 5 के बीच में बहुत आवश्यक काम हो तभी आप लोग धूप में निकलें। और धूप में निकलें तो गमछा, टोपी या फुल स्लीव के कपड़े पहन करके निकलें। और चूंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, पानी को पीते रहें, कूलर में एसी में बैठे, कूलर एसी से बैठ करके एक चीज ध्यान रखनी है, एकदम से धूप में नहीं जाना है। ऐसे में वायरल सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं। बहुत से लोग धूप से एसी में आ जाते हैं या एसी से धूप में चले जाते हैं। पहले अगर आपको धूप से एसी में जाना है या एसी से धूप में, पहले आप अपने शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करिए, उसके बाद निकलिए। नहीं तो ऐसे में गले में खराश, वायरल सोर थ्रोट या वायरल ट्रॉन्सलाइटिस होने लगती है। और लॉन्ग टर्म तक अगर आप सफर करते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे, हालांकि स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स का वायरल बॉर्न डिजीज में कोई भी रोल नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन दे आर डूइंग वंडरफुल रेस्पॉन्स। तो आप बदन दर्द से, सर दर्द से, जुकाम खांसी छींक से और जो वायरल ब्रोंकाइटिस सूखी खांसी आ रही है आजकल लोगों को, मेट्रो की वजह से भी, धूल धुआं डस्ट की वजह से भी, तो वायरल ब्रोंकाइटिस से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो वायरल डायरिया, जिसको हम लोग समर डायरिया बोलते हैं,
ऐसे डायरिया में क्या होता है कि पतले दस्त की तरह छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को भी 10 से 15 दस्त निकल रहे हैं, वाटरी स्टूल होता है, उसमें पेट में ऐठन होती है, मरोड़ होने लगता है, तो शरीर में पानी की कमी ना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा संसाधन हमारे घर पे रखा हुआ नमक शक्कर का घोल है। इलेक्ट्रोल भी ले सकते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं वो नींबू की नमकीन शिकंजी, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, घर का बना छाछ, मट्ठे को भी प्रयोग में ला सकते हैं। यदि लंबे समय तक आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है, तो वायरल गैस्ट्राइटिस और वायरल